मालिक वो देखो वो देखो। तुम्हारी हाइट दुनिया में किसी चीज से नहीं बढ़ सकती। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हाइट को आपके इन्फ्लुएंस करती है। आप किसी भी चीज से अपनी हाइट को बढ़ा या घटा नहीं सकते। हाइट आपकी जेनेटिक्स पे ही डिपेंड करे। कुछ भी करते रहिए आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। मतलब देखो यार, अगर कोई बंदा एक टॉपिक के ऊपर एक टॉपिक को डिसअप्रूव करने के लिए 15 वीडियो करता अपने चैनल पे और हर वीडियो में यही कहता है कि हाइट सिर्फ जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, अगर आप इनके चैनल पर जाएंगे तो आपको एक तो सीरीज मिलेगी, 11 पार्ट की सीरीज करिए हाइट के ऊपर, जिसमें यही कहा है कि आप कुछ भी खा ले, कम खाएं ज़्यादा खाएं, कितना भी सो ले, चाहे आप 1 घंटा सोए 10 घंटे सोए, आपकी हाइट डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स पे और वो इंक्रीज नहीं हो सकती। अभी आऊंगा, सब पे आऊंगा, दोबारा आऊंगा, 11 वीडियो के बाद फिर बना रहा हूं। हां बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। और जब 11 पार्ट की सीरीज करके इनका मन नहीं भरा तो उन्होंने 4-5 वीडियोस और करी जिसमें सेम ही बात कही कि हाइट सिर्फ जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। अब सिर्फ ये एक लाइन कहने के लिए उन्होंने 15 वीडियो करी और छोटी मोटी नहीं 20-25 मिनट की, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 घंटे का कंटेंट इन्होंने सिर्फ यही प्रूव करने के लिए लगाया कि हाइट सिर्फ जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। और 4 घंटे के कंटेंट में इन्होंने कम से कम 400 बार एविडेंस, रिसर्च जैसे बड़े बड़े वर्ड यूज करे अपने गधे फॉलोअर्स को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि देखिए इनके जो फॉलोअर्स है ना वो ऐसे वर्ड सुन के इम्प्रेस हो जाते हैं और उनको ये बात पता है, तो इसलिए आज तक इन्होंने एक भी वीडियो में ना कोई स्टडी का लिंक डाला, ना कोई रिसर्च का लिंक डाला, ना डिस्क्रिप्शन में डाला, ना वीडियो में दिखाया है। तो इससे वाहियात कंटेंट क्रिएटर मैंने दुनिया में नहीं देखा जो एक चीज को डिसअप्रूव करने के लिए 4 घंटे कंटेंट बनाता है और 4 घंटे कंटेंट में ना कोई एविडेंस दिखाता है, ना कोई रिसर्च दिखाता है, बस ये वर्ड्स बोलते रहता है। अब देखिए, मेरा इनसे कोई इशू नहीं है, मैं इनफैक्ट ये एयरफोर्स में थे उसके लिए मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये एयरफोर्स का फायदा उठा के अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, एयरफोर्स के नाम पे भाई साहब अश्वगंधा बेच रहे हैं, शिलाजीत बेच रहे हैं, और चलो वो उनका बिजनेस है, वो साइड में रखते हैं, बट ये एटलीस्ट 15 वीडियो कर चुके हैं मुझे और दूसरे यूट्यूबर्स को टारगेट करते हुए, तो एटलीस्ट एक रिप्लाई देना तो बनता ही है। और जो भी दोस्तों मैं कहूँगा आज की वीडियो में वो रिसर्च बेस्ड होगा, एविडेंस बेस्ड होगा, रियल एविडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि रिसर्च पेपर होते हैं, स्टडीज होती है, इनकी तरह नहीं कि एविडेंस वर्ड बोल दिया वही एविडेंस हो गया। और देखिए, क्योंकि इन्होंने हर वीडियो में एक ही बात रिपीट करी है कि हाइट सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। अब देखिए, जेनेटिक्स के अलावा भी एक और टर्म होती है, एपिजेनेटिक्स, और मैं रिकमेंड करूंगा हर बंदे को कि वो एपिजेनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इन भाई साहब ने एपिजेनेटिक्स के बारे में एक वर्ड नहीं कहा, तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ आपको कि एपिजेनेटिक्स होता क्या है। एपिजेनेटिक्स बेसिकली मतलब होता है उसका अबव द जीन्स। एपिजेनेटिक्स में दोस्तों काफी सालों से रिसर्च हो रही है, काफी डेकेड से रिसर्च हो रही है, और हालांकि मैं इस टॉपिक पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट वो रिसर्च इस चीज़ पे पॉइंट करती है कि जीन्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं, बट वो जीन्स कैसे रिएक्ट करते हैं आपकी बॉडी में वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे, आपकी डाइट पे, किस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, आपकी स्लीप पे। मतलब अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जो आपके जीन्स हैं वो इस चीज़ से इफ़ेक्ट होते हैं कि आपकी डाइट कैसी है, आप कितना सो रहे हैं, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। और इस पर दोस्तों डेकेड्स की रिसर्च है, बहुत रिसर्च हुई है, और मैं एक्चुअल रिसर्च के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा और कमेंट सेक्शन में भी डालूंगा, जिसे हमारे अक्षय जी भी पढ़े, उनके अनपढ़ सब्सक्राइबर्स भी पढ़े और उन्हें एक्चुअली में पता चले कि रिसर्च इसे कहते हैं, एविडेंस इसे कहते हैं, जो आप बोल रहे हैं वो रिसर्च नहीं होता। अब बात करते हैं जो डायरेक्ट रिसर्च हुई है हाइट के ऊपर, हालांकि जो रिसर्च हुई है वो काफ़ी लिमिटेड है, बट अगर आप स्टडीज़ के ऊपर नज़र मारें वो भी यही कंक्लूड करती है कि कैल्शियम, जिंक और प्रोटीन से, इन न्यूट्रिएंट से आपकी हाइट इफ़ेक्ट होती है, मतलब डाइट से आपकी हाइट इफ़ेक्ट होती है। और मैं जब डाइट की बात करता हूँ, अगर आप मेरी 3 साल पुरानी वीडियो उठा के भी देखें, मैंने यही कहा है कि कैल्शियम, जिंक और प्रोटीन ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है हाइट इंक्रीज करने के लिए, और इस पर मैंने 3 साल पहले वीडियो करी थी और 3 साल पहले भी मैंने एविडेंस के साथ वीडियो करी दोस्तों। और विटामिन डी की बात मैंने इसलिए करी थी क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में अगर आपकी बॉडी डेफिशिएंट है विटामिन डी में, तो उससे आप कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। और ये तो चलो एविडेंस की बात हो गई, अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के ऊपर नज़र मारें, मेरा चलो एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुका हूँ कि 5 वेट से मेरी हाइट 6'1" हुई थी,
18 साल के बाद और मेरे जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, मेरी फैमिली में किसी की भी हाइट 6 फुट से ऊपर नहीं है, इसलिए मेरा यही गोल था कि मैंने 6 फुट से ऊपर कर दिया। बट चलिए, अक्षय जी तो कह रहे हैं कि मैं फ्रॉड हूँ, सारे यूट्यूबर्स फ्रॉड हैं, एक वही सच्चा यूट्यूबर है यूट्यूब पे, सबके सब चोर हैं साले। तो चलिए अपना एग्जाम्पल लेते हैं माइकल जॉर्डन का, जिनको मैं बिलीव कर रहा हूँ अक्षय चोपड़ा जी फ्रॉड नहीं कहते होंगे, या हो सकता है उसको भी कहते इस वीडियो के बाद, जिनकी हाइट वैसे थी 6'6" उनकी हाइट थी, बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर थे, बट उनके पेरेंट्स की हाइट थी सिर्फ और सिर्फ 5'9" और 5'5" 5'9" फादर की और 5'5" थी उनकी मदर की। और ऐसे दोस्तों आपको बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे हर कंट्री की बास्केटबॉल टीम में, जिनके पेरेंट्स छोटे हैं बट वो स्टिल 6'2" है, 6'4" है, 6'6" है। और अगर हम इंटरनेशनल लोगों को साइड में रखें, बात करें हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में भी ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल हैं। सचिन तेंदुलकर जिनकी हाइट है 5'5", उनकी वाइफ की हाइट है 5'4", बट उनके जो बेटे हैं अर्जुन, उनकी हाइट है 6'3". अब 5'4" और 5'5" के पेरेंट्स से 6'3" का कैसे बच्चा निकल गया, सोचने वाली बात है। अगर अक्षय चोपड़ा के हिसाब से माने तो उसके बेटे की हाइट तो होगी भाई 5'5" ही होगी, 5'6" होगी मैक्सिमम, उसकी 6'3" कैसे होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें आमिर खान के बेटे की, आमिर खान की 5'5" है, सैफ अली खान की 5'6" है, दोनों की जो वाइफ्स हैं वो ऑब्वियसली उनसे 1 इंच छोटी हैं सारी, तो 5'5" 5'4" के अगर पेरेंट्स हैं, दोनों जो बच्चे हैं, एक इब्राहिम अली खान है उनका नाम और दूसरे का मुझे नाम नहीं पता, आमिर खान के बेटे का, बट दोनों 6 फुट से ऊपर हैं। और आखिर में दोस्तों मैं एक छोटा सा ऐसा पॉइंट रखना चाहता हूँ जिसके बारे में डिबेट ही खत्म हो जाएगी। रिसेंटली इन्होंने एक और हाइट के ऊपर वीडियो करी थी, जिसमें ये टाइटल आई थिंक था इनका लास्ट वीडियो ऑन हाइट इंक्रीज, और उसका थंबनेल में लिखा हुआ है द मोस्ट यूजलेस पीपल ऑन अर्थ, उसमें शाहरुख खान, एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह वगैरह लोग हैं थोड़े से। उस वीडियो का अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट में किसी ने पूछा है क्या सर हाइट 100% जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, इनका जवाब आया है नो, 20% और मोर कैन बी डाइट। तो मतलब 3-4 घंटे का कंटेंट बनाने के बाद, 3 साल तक ये कहने के बाद कि हाइट 100% जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, इन्होंने फाइनली ये मान लिया कि डाइट और दूसरे लाइफस्टाइल फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और यही दोस्तों मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि 100% जेनेटिक्स नहीं है, जेनेटिक्स मैटर करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हाइट आपकी सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। जेनेटिक्स से आपको एक रेंज मिलती है कि आपकी हाइट मान लीजिए 5'5" भी हो सकती है, 6 फुट भी हो सकती है, 5'5" से 6 फुट के बीच में कितने के बीच में आपकी हाइट हो सकती है। मैं रफ एग्जाम्पल ले सकता हूँ, रफ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हो सकता है 5'8" से 5'10" की आपकी रेंज हो, वो रेंज मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आप दूसरे लाइफस्टाइल फैक्टर्स पर फोकस करके अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। और यही सारी जो साइंस है वो भी इस तरफ पॉइंट कर रही है। और फाइनली उन्होंने भी अब कमेंट में, वीडियो में नहीं कहा इन्होंने, बट एटलीस्ट कमेंट में तो उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि दूसरे फैक्टर से भी अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। और होपफुली इस वीडियो के बाद उनके फॉलोअर्स की भी आंखें खुल गई होगी, उनको भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि कौन सच बोल रहा था और कौन इतने सालों तक झूठ बोल रहा था। और क्योंकि दोस्तों इन्होंने मुझे और बाकी यूट्यूबर्स को एक्यूज़ किया था कि हम हाइट की वीडियोस बना के हाइट के प्रोडक्ट्स, जिनसे आपकी हाइट बढ़ती है वैसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। देखिए मुझे बाकी यूट्यूबर्स का तो पता नहीं, बट जो लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि मैंने आज तक कोई भी ऐसी कोई मेडिसिन या कोई दवाई नहीं बताई जिससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। देखिए मैंने जो चीज़ें प्रमोट करी हैं, जो आपको टिप्स दी हैं, उनको अगर आप एक हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी देखें तो भी वो एक एक्चुअली यंग बंदे के लिए बहुत अच्छी टिप्स है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जल्दी सोएं, उससे आपकी हाइट इंक्रीज़ होने में हेल्प हो सकती है, तो उससे मुझे क्या मिल रहा है, आप जल्दी आप सो रहे हैं, मुझे तो कोई पैसे नहीं दे रहे ना आप सोने के। तो ये बहुत ही बेसलेस एक्यूजेशन था, आई डोंट नो क्यों लोग मुझे उनकी वीडियोस भेज रहे थे। और जहाँ तक पैसे कमाने की बात है, देखिए ये सबको पता है कि किसने ई बुक करी है हाइट के ऊपर और कौन अपनी ई बुक बेच के पैसे कमा रहा है और कौन अपनी हर वीडियो में अपनी ई बुक की प्रमोशन करता है। उसके ऊपर पूरी ई बुक लिखी है मैंने, ठीक है, वो ईबुक मेरी वेबसाइट vsrupit.com पे अवेलेबल है। और ईबुक के अलावा शिलाजीत बेचना, अश्वगंधा बेचना, हनी बेचना, ये सारी चीजें बेचकर सबको पता है कौन पैसे कमा रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लास्टली आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उनकी वीडियोस पे जाके कोई भी कमेंट ना करें। पहली बात, अगर आप मेरी तारीफ करेंगे या उनसे डिसएग्री करेंगे तो आपका कमेंट भी डिलीट हो जाएगा। मुझे आप में से काफी लोगों ने बताई थी ये बात, बट मेन जो मुद्दा है ना, देखिए जो उनके फॉलोअर्स है ना वो है गधों की फौज, तो उनसे कमेंट्स में लड़ाई करके या कुछ डिस्प्यूट करके कोई फायदा नहीं है।
उन गधों का लॉजिक ये होता है कि जो बंदा बहुत टाइम पहले कुछ टाइम के लिए एयरफोर्स में था, क्योंकि वो एयरफोर्स का टैग लगा हुआ है, इसलिए जो भी कह रहा है वो बंदा सच है। और देखिए, मेरा उनसे या उनके फॉलोअर से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही मेरा ये कोई इंटेंशन था वीडियो बनाने का, बट क्योंकि उन्होंने 15 वीडियो करी है सेम ही टॉपिक पे, सेम ही बात उन्होंने कही है, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट एक वीडियो में उनका रिप्लाई दे देते हैं। और जो मैंने देखी, 3 पॉइंट्स की बात करी है, एपिजेनेटिक्स और उनकी जो मैंने रेफरेंसेस दी हैं, जो डाइट के ऊपर मैंने स्टडीज आपको दिखाई हैं, और तीसरी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करी है। इन तीनों पॉइंट के ऊपर अगर आपको आर्ग्यू करना है तो आप आए कमेंट सेक्शन में, गालियां भी दे सकते हैं, मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि आपको आपके कमेंट डिलीट करूंगा, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आर्ग्यू करना है तो इन 3 पॉइंट्स पे करें। और एक चीज से हालांकि मैं उनकी एग्री करता हूं कि जो उन्होंने बात कही थी कि हाइट से ऑब्वियसली आपकी लाइफ या आपका करियर जो है वो इफेक्ट नहीं होगा, ना ही बनेगा लंबी हाइट होने की वजह से, ना ही कम हाइट होने की वजह से आप अनसक्सेसफुल रह जाएंगे। बट कुछ प्रोफेशंस होते हैं, चाहे वो मॉडलिंग हो गई, आर्मी हो गई, एयरफोर्स, नेवी, इवन एयर होस्टेस, इन सभी प्रोफेशन में एक मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट होती है जिससे आपकी हाइट ज़्यादा होनी ही चाहिए। तो ऑब्वियसली इन प्रोफेशंस के लिए हाइट का लंबा होना, हाइट इंक्रीज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इनके अलावा डे टू डे लाइफ में बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो कम हाइट की वजह से थोड़ा लो रह जाता है, तो उन लोगों के लिए भी अगर वो अपनी हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, चाहे वो 1-2 इंच ही हो गई, उनके कॉन्फिडेंस को काफ़ी बूस्ट मिलती है। और बहुत लोगों ने मेरी वीडियोस को देखकर, मेरे मेथड्स को फॉलो करके अपनी हाइट इंक्रीज कर ली है। सैकड़ों कमेंट्स आते हैं मेरी ऑलमोस्ट हर हाइट वाली वीडियो पे, जिसमें लोग अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं। आप मेरी किसी भी हाइट वाली वीडियो पे जाएं, कमेंट सेक्शन में आपको ऐसे सैकड़ों कमेंट मिलेंगे। और पहले तो मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको मोटिवेट करने के लिए मैं उन्हें करता भी था, उन्हें पूरा कलेक्शन बनाता था उन कमेंट्स का, बट क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, मैं खुद उनके साथ कीप अप करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए, मैं अकेला ही हूँ जो ये सारा वीडियो वगैरह बनाता है, एडिटिंग मैं करता हूँ, तो मेरी कोई टीम नहीं है। आप लोग ही हैं जो मेरी एक्चुअली में टीम है, जो मुझे बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और वीडियोज़ बनाने के लिए, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, जो अपनी हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं, वो मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मैंने सब कुछ इसमें कवर कर चुका हूँ और मैं अब हाइट के ऊपर और वीडियोस नहीं करूँगा। और फाइनली दोस्तों, इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना प्लीज़ ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर।